ग्लासगो में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है प्लेनेट को क्लाइमेट चेंज के नुकसान से बचाने के लिए। इसमें हज़ारों की तादाद में लोग हैं, कई किलोमीटर्स पर ये प्रोटेस्ट है। इसमें हर तरह के ग्रुप्स हैं, कोशिश की है कि हम गिलगित बल्तिस्तान का नाम लेके यहाँ शामिल हो जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने ग्लेशियर्स हैं जिनको 7,000 से ज़्यादा बताया जाता है तेज़ी से पिघल रहे हैं। दुनिया में जो आब हवा की तब्दीली हो रही है और जिस तरह यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। जुलूस में गिलगित बल्तिस्तान का नाम लेके शामिल हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो K2 का घर है और नंगा पर्वत का घर है। 7,000 ग्लेशियर जो है इस धरती में मौजूद हैं और हमारे ग्लेशियर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रहे हैं, हमारे ग्लेशियर्स छोटे हो रहे हैं। तो हमने भी सारी दुनिया के साथ खड़ा होना है इस क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़े बड़े ताकतें हैं, बहुत बड़े बड़े माफिया हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस के ज़िम्मेदार हैं, और उनको जब तक यानी मजबूर न किया जाए वो अपनी बड़ी बड़ी सनतें जारी रखेंगे और दुनिया जो है ना तबाही की तरफ जा सकती है, खुसूसन हमारे जैसे खित्ते शदीद मुतासिर हो सकते हैं। जब हमारी नई नस्लें इसको अच्छी तरह जान जाएंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हमें दुनिया वालों को बताना है कि हमारी गलती इसमें कम है, गलती दुनिया भर के लोगों की है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी सनतें हैं, बड़े बड़े ऐसे यानी सनतें यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना वो निकल रही हैं और वो हमारे पहाड़ों में पहुँच रही हैं, हमारे अब हवा को तब्दील कर रही है। आज हम चाहते हैं कि हम दुनिया को बताएँ कि गिलगित बल्तिस्तान किस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हो रहा है और किस तरह हमारे ग्लेशियर्स तब्दील हो रहे हैं, कहीं पिघल रहे हैं, कहीं सिकुड़ रहे हैं, कहीं ग्लेशियाई झीलें बन रही हैं। इसमें कई लोग हैं और हम आपको दोबारा दिखाते हैं ये ग्लेशियर गिलगित बल्तिस्तान के जो है ये मेरा ताबिल अली जमीला है। ये हमारी दोस्त कैथ हैं। कैथ, वुड यू लाइक टू से समथिंग फॉर गिलगित बल्तिस्तान? Pakistan and Hinds are represented here today, so it's fantastic. And I know there's been loads of interest, people taking photos of the placards that Inam and Jamila and the boys have made, so it's really good. So the profile's really lifted, and let's hope that we can change everything. Thank you very much, Kate. We a climate activist hain, aur meri missus ki dost hain, aur thank you very much, Kate. Thank you. ये ग्लासगो ग्रीन है, ग्लासगो का बहुत बड़ा पार्क है। 2.5 लाख के करीब लोग आज जमा हुए हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ये प्रोटेस्ट मार्च का हिस्सा है, और 3-4 घंटे मार्च के बाद फिर यहाँ सब जमा हुए हैं। और हम क्योंकि ग्लासगो में रहते हैं इसलिए हम भी गिलगित बल्तिस्तान का नाम लेके इस ग्लोबल मार्च में शामिल हुए हैं, जो कि है क्लाइमेट चेंज के लिए लोग क्या कर सकते हैं, आवाम क्या कर सकते हैं, जो माहौल है उसमें तब्दीली आ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और कई और मुश्किल पैदा हो रही है, पानी की कमी हो रही है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ग्लासगो ग्रीन बहुत बड़ा पार्क है, ग्लासगो शहर स्कॉटलैंड में। यहाँ पे ये 2.5 लाख के करीब लोग आज जमा हुए हैं बतौर प्रोटेस्टेंट। दुनिया में जो अब हवा की तब्दीली आ रही है उससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, तो ये हमें बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। और हम लोग भी आज यहाँ इस दुनिया भर के आवाम में गिलगित बल्तिस्तान का नाम लेके यहाँ ग्लासगो क्लाइमेट चेंज जो प्रोटेस्ट मार्च है इसमें इंडिजिनस पीपल ज़्यादा शामिल हैं, दुनिया भर के मुख्तलिफ रीजन से इंडिजिनस लोग शामिल हुए हैं
अमेरिका से, ब्राज़ील से और यूरोप से जो जो इंडिजिनस लोग हैं उसमें शामिल हैं। तो ये यानी गोया एक बड़ा इज्तम है इंडिजिनस लोगों का। यहाँ देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग हैं। आई मेट जेंटलमैन हियर रिचर्ड एंड हु हैज़ बीन टू गिलगित बल्तिस्तान इन 1983 एंड व्हेन वी सॉ हिज आवर प्ले कार्ड्स ही आस्क्ड अस अबाउट गिलगित बल्तिस्तान। सो हाउ डिड यू फाइंड गिलगित बल्तिस्तान इन 1983 सर? It was an amazing visit. I spent a whole winter there in the mountain areas and I met a lot of very nice people. Right. It seems a very strange time to travel just as an independent traveler with a backpack, but in winter all the farming people and the mountain people, they have nothing much to do because everything is frozen, and so you can meet people. If you went in the normal tourist season, all the farmers would be busy in the fields and with herds on the mountainside. So I had many very pleasurable meetings with the people of all these areas. I was in Baltistan, I was in Hunza, I was in Chitral and Peshawar. The glaciers are, you see, rapidly melting, they're becoming smaller. We have got glacial lakes forming, so that's a big concern. That's why we also joined. I came to this march with my family, you see. Yes. I understand this well because I went to Hushe and I walked up about 2 miles of the Passu Glacier, and there were signs already that it was receding in the 1980s. There were moraines going far further than the ice, and you could see the ice was melting a lot because it was covered in stone rubble. And I was already reading about climate change at that time, and there were already signs to be seen. So when Passu Glacier, my son, he went first time, Tawil Ali, he went in December 2019, he went with me to see, and so we had to walk for around 15 minutes from the Karakoram Highway to get a view of the Passu Glacier. And I think in 1983 it was very much visible from the highway, yes? Sure. Yeah. Yes, sir. So, I visited Gilgit Bazaar also, and at that time travellers said, if you stay in that town, you must go to this amazing bookshop. It's got so many fantastic books, including reprints of really good titles from before. You will learn so much about this country and you will understand your travel so much better. So I was in the shop with Mr. Ghulam Mohammed Baig, which was a lovely place. Thank you, Mr. Thank you. It's such a big chance that we met together, and we so happen to be the family of Ghulam Mohammed Baig. By chance we met here. Thank you, sir, and thank you very much. Stop the stall, take a leaflet, get a copy of the paper. We got little solutions. We got medium solutions. We got massive nuclear solutions. So if you need a